जैनब अली फ्रॉम जैनब कुकहाउस। तो आज मैं आपको बताऊंगी शादियों वाला चिकन सीख कोरमा, जिसे प्रिपेयर किया था राजधानी केटरर्स ने। सो काफ़ी लोग राजधानी केटरर्स का एड्रेस पूछते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और स्क्रीन पे भी है। उससे पहले जैनब कुकहाउस को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बताने वाली हूँ कि 1 kg का चिकन सीख कबाब कैसे बनाया जाता है। तो एक किलो आपको लेना है चिकन मिन्स, ठीक है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, हैंडफुल ऑफ उसके अंदर कोरिएंडर और मिंट लीव्स होना चाहिए। जिंजर पेस्ट 1.5 teaspoon, गार्लिक पेस्ट 1.5 teaspoon, हल्दी पाउडर 1/2 teaspoon, रेड चिली पाउडर 1 teaspoon, धनिया पाउडर 1 teaspoon, क्रश्ड कोरिएंडर सीड्स 1 teaspoon, गरम मसाला 1 teaspoon। इसके बाद इसमें जाएगा बेसन 3 tablespoon, ये भुना हुआ बेसन है, मेक श्योर करें भुना हुआ ही डालें, और सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। ये डाल के आपको अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको इसे 2 घंटे तक रख देना है। ओवरनाइट रखेंगे आप तो ज़्यादा अच्छा है। हर एक चीज़ मेजरमेंट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो भी मैंने कहा है स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसका मेन प्रोसेस यही है कि ये सीख है, इसे बारबेक्यू किया जाता है। तो अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आप इसे पैन फ्राइड करके भी डाल सकते हैं, बट सिर्फ 60% कुक करना है आपको, पूरा कुक नहीं करना है इसे, क्योंकि ये दम में पकने वाला है। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट प्रोसेस चिकन सीख का। मैंने आपको 1 kg के हिसाब से मेजरमेंट बताया है। अब बड़ा सा पैन ले लीजिए, उसमें डालें आप 2 tablespoon ऑयल और घी 2 tablespoon, या तो आप घी में भी बना सकते हैं या तो आप तेल में भी बना सकते हैं। 1/2 inch दालचीनी, 3 से 4 हरी इलायची, 2 bay leaf, 1 black cardamom, 1/2 teaspoon लौंग और ब्लैक पेपर का मिक्स, ठीक है। जिंजर पेस्ट 1 tablespoon है, गार्लिक पेस्ट 1 tablespoon है। तो यहाँ पे पहले गार्लिक पेस्ट गया है, ठीक है। तो लहसुन का पेस्ट डाल के आपको इसे अच्छे से भून लेना है। ओके, तो लहसुन का पेस्ट जब अच्छे से भून जाए, उसके बाद आपको अदरक का पेस्ट डाल देना है। ओके, इसके बाद जाएगा ग्रीन चिली का पेस्ट जो है 2 tablespoon। ओके, सो इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली टेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, स्पाइसी खाना है या नहीं। इसमें 1/2 cup दही जाएगा, तो दही जब आप डालो उससे पहले आप फ्लेम को एकदम स्लो करके दही को अच्छे से फेंट के डालना, वरना आपका दही फट सकता है, और कंटिन्यूस आपको चलाना है, ठीक है। इसमें 1/2 teaspoon हल्दी जाएगा। हल्दी डालने के बाद आपको तुरंत दूसरा मसाला नहीं डालना है, आपको पहले इसे भूनना है, ठीक है। अच्छे से भून जाए उसके बाद आपको डालना है रेड चिली पाउडर, ये तीखा वाला चिली पाउडर है, तो अपने हिसाब से डाल दीजिए 1 teaspoon। देगी मिर्च कलर के लिए डाला जाता है 1 teaspoon। ओके, तो आप अपने हिसाब से मिर्ची का जो क्वांटिटी है कम ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट ये 1 kg के हिसाब से मैंने बताया है आपको, और ये पतला ग्रेवी नहीं होता है, सेमी थिक ग्रेवी है। 4 tablespoon आपको काजू का पाउडर लेना है, पेस्ट नहीं, पाउडर। तो जब आप ग्राइंड करें तो धीरे धीरे ग्राइंड करें, वरना ये पेस्ट बन जाएगा क्योंकि उसमें ऑयल होता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको मसाले को अच्छे से भूनना है, अराउंड 15 to 20 minutes। ओके, मैं 1 kg के हिसाब से बता रही हूँ, तो 15 to 20 minutes। फ्रेश फ्राइड ओनियंस लेना है आपको, उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। फ्राइड ओनियन आपको लेना है 1/4 cup। ओके, उसको अच्छे से भूनना है। सो गाइस, इंग्रेडिएंट डिटेल इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज़ चेक। 1/2 teaspoon गरम मसाला, 1 teaspoon धनिया पाउडर। ओके, बस यही इसका मसाला है। अच्छे से मसाला आप भूने इसको, पानी आप अपने हिसाब से डालें, बट इसे खाया जाता है नान, पराठा, पाव, ब्रेड के साथ। ओके, शीरमाल के साथ बहुत अच्छा लगता है ये, राइस के साथ नहीं खाते हैं इसे। सो बट यू कैन ऑप्ट फॉर योर ओन चॉइस। अब आपको इसे पका लेना है अच्छे से, इसके बाद आपको सीख डाल देना है और उसे दम करना है जब तक कि सीख और ये पूरा एक मिक्सचर ना बन जाए। सो ये रहा हमारा शादियों वाला चिकन सीख कोरमा। सो गाइस, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताना, बेल आइकन प्रेस करें। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट मेकिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।